मेरे साथ बोलिए भारत माता की। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, आप लोगों की आवाज को क्या हो गया है? 17 सितंबर है, हैदराबाद विमोचन दिन है, ऐसी आवाज में बोलोगे क्या? यहां से हैदराबाद तक और यहां से मराठावाड़ा तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, जिनकी प्रजा संग्राम यात्रा में मैं आज यहां पर आया हूं, आगे आइए संजय भाई, ऐसे श्रीमान संजय बंडी जी, मेरे दोस्त, मेरे मित्र और मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री श्रीमान जी किशन रेड्डी जी, यहां के लोकप्रिय सांसद श्री अरविंद धर्मपुरी जी, हमारे दूसरे सांसद श्री स्वयं बापूराव जी, हमारे महामंत्री श्री तरुण चुग जी, तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री मुरलीधर राव जी, सीबी के अरुणा जी, अब जिनको फिर से एक बार जिताना है, ऐसे हमारे राजेंद्र जी, आगे आओ राजेंद्र, अरे आगे आओ भाई, आगे आओ, जोर से ताली बजाइए। श्री सुधाकर रेड्डी जी, श्री जितेंद्र रेड्डी जी, अरुणा जी, हमारे सारे मंच पर बैठे हुए पदाधिकारीगण, और आज इतनी बड़ी संख्या में जहां तक नजर पहुंचती है लोग ही लोग दिखाई रहे हैं, आए हुए तेलंगाना के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आज आप सभी को हैदराबाद विमोचन दिन का हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। आज ही के दिन ये पूरा निजाम के शासन में रहा हुआ क्षेत्र तेलंगाना, बिदर और मराठावाड़ा, आज ही के दिन देश के महान सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल के पराक्रम के कारण 13 महीने के बाद आजाद हुआ था, 13 महीने के बाद आजाद हुआ। इसलिए आज का दिन एक महीने में तेलंगाना के लिए स्वतंत्रता दिन भी माना जाता है, मित्रों, स्वतंत्रता दिन भी माना जाता है। इसलिए मैं आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, आज हमारे प्रिय प्रधानमंत्री सारी दुनिया में लोकप्रिय से लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी इसको सेवा दिन के रूप में भी मना रही है। आज पूरे देश के 130 करोड़ लोग मोदी जी के
दीर्घायुष के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको अभिनंदन देते हैं। मैं भी आप सबके साथ मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मोदी जी दीर्घायुष हो और देश को दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने में सफल हो। मित्रों, आज विश्वकर्मा दिन भी है। देश और दुनिया के सभी श्रमिक, सभी कारीगर विश्वकर्मा को मानते हैं और भगवान विश्वकर्मा की जयंती के दिन ही उनकी आराधना करते हैं। मैं इसलिए देश भर के सभी लोगों को विश्वकर्मा दिन की भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, आज के दिन ही निजाम की चुंगाल से हमारा एक तेलंगाना स्वतंत्र हुआ था। आज के दिन ही सरदार पटेल का प्रख्यात पोलिस एक्शन और पोलो मिशन आज के दिन ही समाप्त हुआ था और आज पूरे देश को आजादी मिलने के 13 दिन बाद हमारे तेलंगाना को आजादी मिली थी, 13 महीने बाद। और आज मुझे कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उचित ही निर्णय किया है कि जब भी तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 2024 की बात कर रहा हूं मैं, 2024 में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम 17 सितंबर को राज्य के अधिकृत कार्यक्रम करकर हैदराबाद विमोचन दिन को जंग चंग के साथ मनाएंगे। जो डरते हैं वो डरे, भारतीय जनता पार्टी नहीं डरती है मजलिस वालों से, हम नहीं डरते हैं, हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते हैं। ये सरदार पटेल के पराक्रम के कारण यहां पर अनेक राष्ट्रभक्त रामोजी गोंड, कोमाराम भीम, स्वामी रामतीर्थ, पंडित नरेंद्र, सुरावरम प्रताप रेड्डी, कवि दशरथी, श्री रंगाचार्य, गोविंद भाई श्रॉफ और नरसिम्हा राव जैसे अनेक देशभक्तों के कारण आज के दिन ही साच अर्थ में हमें आजादी मिली थी। मैं एक बात मुख्यमंत्री जी को भी याद कराने आया हूं। मैं गुजरात में था उस वक्त, आपका भाषण सुनता था जब टीआरएस का आंदोलन चलता था, तेलंगाना का आंदोलन चलता था, तब आपने कहा था कि 17 सितंबर को तेलंगाना विमोचन दिन मनाएंगे। माताओं भाइयों बहनों, कहा था या नहीं कहा था? जोर से बोले, कहा था या नहीं कहा था? भाई, मैं आज पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि वो आपके वादे का क्या हुआ? कर्नाटक मना रहा है, महाराष्ट्र मना रहा है, आपने आज ध्वज वंदन क्यों नहीं करा? किसका डर है बोलो भाई, किसका डर है उनको, किसका डर है? भारतीय जनता पार्टी किसी से नहीं डरती है। एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, ये रजाकारों से मुक्ति लेने वाले दिन के दिन ही हम हमेशा तेलंगाना राज्य का अधिकृत मुक्ति दिन मनाएंगे। मित्रों, ये आजादी के लिए निर्मल के भोले भाले आदिवासियों ने पहले अंग्रेजों के खिलाफ और फिर निजाम के खिलाफ बहुत बड़ा संघर्ष किया। सन 57 की क्रांति के शुरुआत में ही इसी इलाके के रामजी गोंड के नेतृत्व में निजाम और अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष किया, इनके साथ लड़ाई हुई।
जब सब पकड़े गए तो 1860 में निर्मल के एक कस्बे में बरगद के पेड़ पर 1000 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। 1000 लोगों को क्या मुख्यमंत्री जी, आपको इन लोगों का बलिदान भी याद नहीं है? 1000 लोग, भोले भाले आदिवासी लोग, देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए। मैं आपको कहकर जाता हूं, चाहे निर्मल के फांसी पर चढ़ने वाले आदिवासी भाई हो, चाहे निजाम के रजाकारों से मारे गए हुए सारे शहीद निर्दोष नागरिक हो, चाहे संघर्ष करने वाले स्वामी राम तीर्थ के नेतृत्व में संघर्ष करने वाले शहीद हो, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। 14 सितंबर को तेलंगाना विमोचन दिन मनकर ही रहेगा, भारतीय जनता पार्टी उसको मनाएगी। मित्रों, आज मोदी जी का जन्मदिन है। मैं आप लोगों को एक समाचार देना चाहता हूं कि आज देश भर में कोरोना के खिलाफ सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन, बहुत बड़ा टीकाकरण चल रहा है। दोपहर 3 बजे तक देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका दे दिया गया है, और ये रात तक चलने वाला है। आज के दिन ही भारतीय जनता पार्टी ने कई कार्यकर्ताओं ने सेवा के अलग अलग काम किए हैं। अभी 71 भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर अपना रक्त बीमार लोगों के लिए दान करने का काम किया है। अभी अभी धर्मपुरी ने अपने क्षेत्र के कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए एक योजना जाहिर कर उनकी सेवा की आगे बढ़ाने की बात की है। देश भर में ऐसे कई सेवा के कार्य हुए हैं, और सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में ये देश के गरीब, पिछड़े, आदिवासी, दलित, इसके कल्याण का काम, इसके कल्याण का यज्ञ ऐसे ही चलता रहे। मित्रों, मोदी जी ने 70 साल की आजादी के बाद इस देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए सरकार की दिशा मोड़ कर रख दी। उनको बैंक अकाउंट दिया, घर दिया, उनको शौचालय दिया, घर के अंदर बिजली दी, अब शुद्ध पीने का पानी दे रहे हैं। 5 लाख तक का सभी स्वास्थ्य खर्चा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तले नरेंद्र भाई ने देश के गरीबों को किया, और ये गरीब कल्याण का मोदी जी का यज्ञ सालों साल चलता रहे। इसीलिए आज पूरा देश ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। मित्रों, आज मैं बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा में आया हूं। आजादी के वक्त पैदल यात्रा करने वाले हमने देखे थे, मगर आज भी तेलंगाना की जनता की सुखाकारी के लिए इस संग्राम यात्रा लेकर संजय बंडी निकले। ये 5 चरणों में चलने वाली है, और हर चरण लगभग लगभग 50 से 60 दिन का रहेगा। मेरी दाई और जो लोग इनके साथ यात्रा में पैदल चल रहे हैं, वो सभी बैठे हैं, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। और जब ये यात्रा 5ों चरण समाप्त कर वापिस हैदराबाद पहुंचेगी, 119 विधानसभाओं का दौरा कर पहुंचेगी, मुझे विश्वास है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नींव डालकर वापिस। इन्होंने कहा कि प्रजा संग्राम यात्रा, ये संग्राम किस चीज के लिए है? किस चीज के लिए संग्राम है? ये संग्राम है मजलिस के निर्पक्ष चलने वाली सरकार के खिलाफ। ये संग्राम है, ये संग्राम है परिवारवाद चलाने वालों के खिलाफ संग्राम।
हमारे भाई राजेंद्र तेलंगाना आंदोलन से उनके साथ थे। क्यों भारतीय जनता पार्टी में आए? क्योंकि वहां उनके लिए कोई स्कोप ही नहीं है, वहां एक ही परिवार का शासन चलता है, पिताजी बेटा और बेटी। ये संग्राम मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर के अंदर विकास का जो यज्ञ चल रहा है, इससे आज तेलंगाना पिछड़ रहा है, तेलंगाना के गरीबों के लिए संग्राम है। ये संग्राम तेलंगाना के आदिवासियों के लिए संग्राम है। ये संग्राम तेलंगाना के दलितों के लिए संग्राम है। और ये संग्राम तेलंगाना की माताओं और बहनों की सुरक्षा के लिए संग्राम है। और मैं आपको बताता हूं, अगर कोई समझता है कि ओबीसी के शरण में जाने से हम बच जाएंगे, तो मैं बताकर जाता हूं, तेलंगाना की जनता आज से जागरूक हो रही है, ओबीसी के शरण में जाकर आप नहीं बच सकते हो, नहीं बच सकते। दिन ब दिन तेलंगाना की जनता भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करेगी। लोकसभा के चुनाव में 20% से ज्यादा वोट दिए हमने। करीमनगर, नजीमाबाद, आदिलाबाद और सिकंदराबाद 4 सीटें जीती और 3 सीटों पर हम बहुत नजदीक आकर हारे, 3 सीटों पर। मैं बताता हूं आपको, अगले चुनाव में लोकसभा में, अगले चुनाव में लोकसभा में सारी की सारी सीटें मोदी जी की झोली में तेलंगाना की जनता में। आज हमारे किशन रेड्डी सिकंदराबाद के सांसद यहां पर मंत्री बनकर भी उपस्थित है और बहुत समय के बाद तेलंगाना को भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट मंत्री देने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। इसके बाद दुबक्का का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीती। हैदराबाद नगर निगम का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीट मजबूत करी और उनको ओवैसी की मदद लेने की जरूरत पड़ गई, ओवैसी की मदद लेने के लिए, मगर उन्होंने निसंकोच ली। और मित्रों, मैं आज बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में खत्म हो रही, पूरे देश भर में। तेलंगाना में टीआरएस का विकल्प कांग्रेस पार्टी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। आप मुझे बताओ, अगर कांग्रेस पार्टी विकल्प हो भी जाए, वो क्या मजलिस के डर से यही करेगी ना जो ये कर रहे हैं? ये ओबीसी के खिलाफ लड़ सकते हैं क्या? ये रजाकार संस्कृति के खिलाफ लड़ सकते हैं क्या? मित्रों, केवल और केवल तेलंगाना का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के अलावे कोई उजागर नहीं कर सकता। मित्रों, कोई उजागर, इसीलिए हमारे भाई संजय बंडी ये संग्राम यात्रा लेकर आए हैं। मित्रों, ये वर्ष भारत के आजादी का 75वां वर्ष और मोदी जी ने भारत की आजादी के 75 वर्ष को देश भर में मनाने का काम किया है, शुरुआत की। उसके पीछे उनका उद्देश्य है, कि रामजी कोंड और कुमाराम भीम जैसे हमारे अनजान योद्धाओं को फिर से हमारी युवा पीढ़ी जाने, पूरा देश जाने। इसलिए आजादी के 75 साल मोदी जी जोर शोर के साथ मना रहे हैं। आजादी के 75 साल भारत के सांस्कृतिक गौरव को पुनः प्रस्थापित करने के 75 साल है। भारत की आजादी का लड़ाई का, भारत की आजादी के संग्राम का गौरव पुनर्जीवित करने के 75 साल की हमारी ये पेशकश है। 130 करोड़ लोगों को उनके हक, विकास पर समान हक मिले, इसके लिए आजादी के 75 साल मनाए जा रहे हैं। विश्व में भारत का स्थान सिरमौर हो,
इसलिए आजादी के 75 साल बना रहे हैं और भारत सुरक्षित रहे, समृद्ध बने, इसके लिए आजादी के 75 साल बना रहे हैं। मित्रों, मैं इतना ही कहता हूं कि सरदार पटेल ने तेलंगाना को आजादी 17 सितंबर 1948 को दी, मगर तेलंगाना को सच्ची आजादी तभी मिलेगी जब मजलिस की बैसाखी के बगैर की सरकार तेलंगाना में बनेगी। मुझे बताइए आप, अगले चुनाव के अंदर मजलिस की बैसाखी बगैर की सरकार बनाएंगे क्या आप? जोर से बोलिए, बनाएंगे? पीछे वाले नहीं बोलते, बोलिए बनाएंगे? माताओं, भाई और बहनों, मजलिस की बैसाखी बगैर की सरकार केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। तेलंगाना के गरीबों का कल्याण करने वाली सरकार केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। और परिवारवाद को मुक्त करने वाली, परिवारवाद से तेलंगाना को मुक्त करने वाली सरकार केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब इतना जरूर कहने चाहता हूं कि तेलंगाना के अंदर धर्म के आधार पर एक रिजर्वेशन दिया गया है। आरक्षण धर्म के आधार पर कभी नहीं होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की नीति है। धर्म के आधार पर दिए गए आरक्षण का हम विरोध करते हैं, ये संविधान सम्मत नहीं है, इसको तुरंत रद्द करना चाहिए। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब इतना ही कहना चाहता हूं कि टीआरएस की सरकार जो है, चंद्रशेखर राव की सरकार है, उसका चुनाव चिन्ह कार है। कार क्या है भाई, बोलो तो, कार है ना? आप मुझे बताओ, कार को पहिए चलाते हैं या स्टीयरिंग चलाता है? कौन चलाता है? स्टीयरिंग चलाता है ना? ये कार तो टीआरएस की है, चंद्रशेखर राव की है, मगर इसका स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। ऐसी कार, ऐसी गाड़ी तेलंगाना का भला कर सकती है क्या? कर सकती है क्या? मित्रों, मैं आज आपको इतना कहना चाहता हूं कि 1400 से ज्यादा, 370 से ज्यादा युवाओं का जीवन का अंत पुलिस फायरिंग में हुआ था तेलंगाना राज्य के लिए, और 1400 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है। हमने ऐसे तेलंगाना के लिए ये गौरव दिया था, आंदोलन किया था और बलिदान दिया था जो तेलंगाना के गौरव को पुनः प्रस्थापित कर। मैं आज इस ऐतिहासिक दिन पर, हैदराबाद विमोचन दिवस पर, मोदी जी के जन्मदिन पर और विश्वकर्मा दिन पर आप सभी को वादा कर जाता हूं, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, हम यहां पर तेलंगाना के गौरव को हमेशा हमेशा के लिए प्रस्थापित करने का काम करें। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं इस वक्त संजय बंडी के नेतृत्व में हमारी सरकार, हमारी संग्राम यात्रा चल रही है और उसमें चुनाव तो जब आएगा तब आएगा, मगर 119 के 19 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी जन जागृति के लिए आगे बढ़ने वाली है। इसके पहले हमारे भाई राजेंद्र का चुनाव आने वाला है। आगे आओ राजेंद्र, आगे आओ यार। टीआरएस समझती है, सुनिए सुनिए सुनिए, टीआरएस समझती है हर चुनाव पैसों से जिए जीता जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि तेलंगाना की जनता क्या तय करेगी? एक सेवाभावी कार्यकर्ता को तय करेगी या पैसों की राजनीति को तय करेगी?
क्या राजेंद्र जी को जिताएंगे? सब जोर से बोलिए, जिताएंगे। पैसों की राजनीति को अलविदा कहेंगे, परिवारवाद की राजनीति को अलविदा कहेंगे। 24 में तेलंगाना में भाजपा सरकार बनाएंगे, पक्का बनाएंगे। सभी सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के विश्वास की मुट्ठी बीजिए, संग्राम यात्रा को सफल करने का निर्णय करिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। वोट आपका जतवल सिंह का बीजेपी राष्ट्र प्रधान कार्यदर्शि बंगार श्रुति गार విమోచన దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని నిర్మల్కి విచ్చేసిన హోంశాఖ మంత్రివర్యులు శ్రీ అమిత్ షా గారికి మరియు మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ కరీం నగర్ మరియు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు శ్రీ బండి సంజయ్ కుమార్ గారికి మరియు Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.